नमस्कार। नमस्कार सर। जन सरोकार मंच द्वारा लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखलाओं में हमारी एक श्रृंखला है इनसे मिलिए। उसमें हम विशिष्ट विद्वान जनों को, लेखकों को अपने प्रबुद्ध श्रोताओं के साथ जोड़ते हैं और विद्वान व्यक्तियों का जो लेखन कर्म है या जो वैचारिकता है उसको हम साझा करने की कोशिश करते हैं। तो आज सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि आज हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं आपके साथ। जिनसे जुड़ रहे हैं वो है डॉक्टर वंदना जी गुप्ता। तो डॉक्टर साहब, आपके बारे में अपने श्रोताओं को थोड़ा सा बता दूं। व्यावसायिक रूप से तो आप शिक्षाविद हैं, लेकिन जीवन यहां तक सिमटा हुआ नहीं है। आपका लेखन कर्म काफी विस्तार लिए हुए है। आप नेपाल मैत्री संघ सिलीगुड़ी के चैप्टर के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके अध्यक्षा हैं। राजकीय स्तर पर भी आप पंजाब लुधियाना के कहानी कथाकार संघ से जुड़ी हुई हैं, उसमें आप उपाध्यक्ष हैं। तो ये जाहिर सी बात है। और लेखन में भी आपने अपनी जो कविताओं की रचनाएं हैं उनके संकलन हैं वो भी 4-5 मेरी नजर में हैं, और साझा संकलन भी है। और राजधानी दिल्ली में भी और भी कई बड़े प्रोग्राम में आपकी उपस्थिति दर्ज होती रही है। तो ये लाजमी हो जाता है कि अपने जो प्रबुद्ध श्रोता हैं वो आपसे आप उनके रूबरू आए और वो आपको सुने भी और आपसे बात भी करें और अपने विचारों के माध्यम से, विचार जो उनके आते हैं सुन के, आपको अपने कमेंट भी दें। कमेंट आएंगे तो दो तरफों फायदा होता है, लेखक को भी फायदा होता है और श्रोताजन को भी फायदा होता है। तो मैं बिना कोई समय गंवाए हुए अब अपनी बात शुरू करने जा रहा हूं। तो डॉक्टर साहब, वंदना जी अपने साथ हैं, सिलीगुड़ी से हैं, दार्जिलिंग से। तो वंदना जी, शुरुआत में ही मैं जानना चाहूंगा, जो पुस्तक मेरे पास आई है आपकी, छलांग मारती स्त्रियां, ठीक है, इस पुस्तक के साथ जब मैंने आपकी रचनाओं के साथ यात्रा की और उन्हें समझने का प्रयास किया तो अधिकांश रचनाओं में स्त्री विमर्श ही नजर आया है। तो क्या एक इस संकलन को बनाने में आपने ऐसी रचनाएं ही जुटाई हैं जो स्त्री विमर्श से जुटी हो, या आपके लेखन की एक पहचान है, आप इस बारे में कुछ कहें? सर, मेरे 6 काव्य संग्रह आ चुके हैं 2017 से लेकर अभी तक। तो मैंने अलग अलग विषयों पर लिखा है। पहला जो मेरे संग्रह था, अस्मिता की तलाश, जी, उसमें शायद एक स्त्री वास्तव में समाज में अपने अस्तित्व की तलाश करती है। तो वो शुरुआती दौर की कविताएं नहीं कहेंगी, क्योंकि उस समय मैं PhD कर रही थी, उस समय की लिखी हुई कविताएं हैं। लेकिन उसमें कुछ मैंने तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया था, तो ये बात आई थी कि नहीं, अगर आप तत्सम शब्दों का प्रयोग ना करें तो सहजता से लोग जो है आपकी कविताओं को ग्रहण कर पाएंगे। तो लोगों की मर्म कुछ हुआ था उस संग्रह ने। मेरा दूसरा संग्रह जो आया था, मयूर पंख ख्वाहिशों के, लखनऊ से आया था, लोकोदय प्रकाशन से आया था। उस पर मुझे मैथिली शरण गुप्त अवार्ड मिला था। उसमें भी विभिन्न तरह की कविताएं थी, स्त्री का संघर्ष था, बच्चे की बात थी, रिश्ते की टूटने और बनने की बात थी, बिगड़ने की बात थी, बनने की बात थी। उसके बाद फिर मेरा जो चौथा संग्रह आया, फिर लौटेंगी स्त्रियां। तो ये जो कोरोना के दौरान बहुत लेखन हुआ, आप तो जानते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारी रचनाएं आई उस दौर पे, क्योंकि लोग अपने
कर्म क्षेत्र से थोड़ा सा फ्री हुए थे और घर में बैठे हुए थे, तो उनके जो टैलेंट थे जो वो उभर के आ रहे थे, और कवि और साहित्यकारों के तो फिर बल्ले ही बल्ले थे, उनके पास सोचने का समय था और आत्ममंथन करने का समय भी था। तो उस समय फिर लौटेंगी स्त्रियां आई कि समाज में एक अपनी पहचान बनाते हुए स्त्रियां आगे आ रही हैं, और लौट के जब आएंगी तो निश्चित ही समाज की दशा और दिशा बदलेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि समाज की दिशा स्त्री और स्त्री से ही बदलेगी, मेरा ये मानना है कि स्त्रियां चूंकि एक सहेजने पर विश्वास करती हैं, बनाने पर विश्वास करती हैं, और जिस भी चीज में वो लगती हैं लगनता के साथ उसको पूर्ण करती हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में कहीं भटकाव भी है, हम महिलाओं के लिए भी कहेंगे वो भटकाव है और पुरुष के लिए भी वो भटकाव है। तो स्त्रियां जो अपनी पहचान खो चुकी थी, मैंने इतिहास को खंगोला, देखिए हमारे समाज में ज्यादातर दुख जो है स्त्रियों के हिस्से में ही आए हैं, ये आप स्वीकार करते हैं, आप सभी स्वीकार करते हैं, हम भी स्वीकार करते हैं, और वर्तमान में भी ये स्थितियां हैं, हालांकि कुछ बदला हुआ है। तो मेरा ये मानना था कि जब स्त्रियां आएंगी तो निश्चित ही जो है समाज की दिशा थोड़ी सी बदलेगी, परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो परिवार को बनाती है, बच्चों को बनाती है, बच्चों के साथ रहती है, ज्यादा समाज के लोगों के साथ भी वो अपनी भूमिका निभाती है। फिर मेरा पांचवा जो संग्रह आया विरह के वितान में, उसमें दर्शन, अध्यात्म और प्रेम को लेकर छोटी छोटी रचनाएं हैं, वो संग्रह पर चर्चा नहीं हो पाई है, अगर कभी आप चाहें तो इस मंच पर करें तो आपको लगेगा कि कितनी गहराई है प्रेम में, दर्शन और अध्यात्म को छूती हुई वो रचनाएं हैं, मैं कहूंगी कि आत्मा को छूती हुई, हमने शब्दों के माध्यम से आत्मा को छूने का प्रयास किया और जो स्थितियां हैं दर्शन है अध्यात्म है उसको रखने की कोशिश की है उन रचनाओं में। फिर उसी दौरान ये सारी रचनाएं ये भी लिख रही थी सीपी में समंदर और छलांग मारती स्त्रियां, मेरा पांचवा जो काव्य संग्रह है सीपी में समंदर, उसमें विभिन्न विषयों को लेकर कविताएं हैं, उसमें आपको कहेंगे कि कविताओं के ऊपर भी चर्चा है और विभिन्न जो समाज की स्थितियां हैं उनके ऊपर भी चर्चा है। तो ये सारी कविताएं उसी समय लिखी गई, बट मैंने इनको क्या किया कि अलग अलग संग्रह अलग अलग खांचे में उनको विभक्त कर दिया। तो स्त्री की जो आकांक्षाएं थी, जो वास्तव में उनके मन में जो हलचल है आगे बढ़ने की, जो जद्दोजहद है, आप तो देख रहे हैं कि अगर हम 10वीं के 12वीं के रिजल्ट निकाल कर देखें या बहुत सारी स्थितियों को देखें, तो स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं, वो अपनी पहचान बना रही हैं और वो इतना दमखम रखती हैं कि जो काम पुरुष कर रहे हैं अब वो स्त्रियां भी करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो मेरा ये जो संग्रह है इन्हीं संदर्भों को लेकर है, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ जो है स्त्रीवादी कविताएं लिखी, विभिन्न विषयों पर लिखी, लेकिन एक जो है आज चल रहा है स्त्री विमर्श, तो शायद उस खांचे में रखकर इन कविताओं को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। और अगर छलांग मारती स्त्रियां पढ़ते हैं हम, तो उसके पहले अगर हम फिर लौटेंगे स्त्रियां पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है क्या कहेंगे सीढ़ी दर सीढ़ी क्लियर होती जाती है, विस्तार पाती जाती है। ठीक कहा आपने, लेकिन यहाँ छोटा सा मैं एक बात, क्योंकि मेरे पास तो अभी यही है जी, छलांग मारती स्त्री जी, तो मेरी व्यवस्था है, लेकिन मैं इसी पर केंद्रित नहीं हो रहा हूँ जी, लेखन के संदर्भ में एक छोटा सा प्रश्न आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जरूर। वो प्रश्न ये है, आपने स्त्री पक्ष को लेकर अनुभूत किया और उसे लिखा, ठीक है ना? लेकिन इस अनुभूत में जो कविता है, अपने आप में जो कविता है, कविता ने इतने रूप बनाए हैं कि वो जो एक ट्रेडिशनल उसका जो श्रृंगार हुआ करता था उससे बहुत बाहर निकल आ चुकी है, तो अब अभिव्यक्ति का श्रृंगार होने लगा है, अनुभूति का श्रृंगार होने लगा है, और वो श्रृंगार शायद मैं ठीक कह रहा हूं कि वो श्रृंगार अब जो होता है वो या तो प्रतीकों के माध्यम से होता है या बिंबों के माध्यम से होता है, आपका क्या सोचना है इसमें?
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि कविता ने अपना प्रतिरूप बदला है, जहां पर वो रस और छंद अलंकारों से गुथी हुई होती थी, धीरे धीरे वो जो है मुक्त छंद में जो रचनाएं होने लगी हैं, तो जो अनुभूतियां हैं, आपका कहना है कि हम जो अनुभूत सत्व है उसको हम पन्नों पर उकेरने के लिए रस छंद अलंकारों को न लेकर हम जो है अव्यक्ति का हमारा जो माध्यम है वो बिंब और प्रतीकों के माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं। सही बात है, कविता का स्वरूप बदला है और शायद आज इसी स्वरूप को लोग स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कहें कि छंदबद्ध रचना है तो कहीं कहें उसमें भी जो है अलंकारों के साथ शब्दों का हेर फेर होता है, और कहीं अलंकारों की अतिशयता इतनी ज्यादा हो जाती है, उसे अलंकारों के बोझ से इतना लाद दिया जाता है कि जो भाव है वो पूरी तरीके से, भाव और विचार, आज की कविता सिर्फ भावों को लेकर नहीं है, विचारों को भी लेकर है, वो दिमाग में एक हथौड़ा सा मारती है और सोचने को विवश करती है। जी, तो जरूर ही स्वरूप बदला है, और इस बदलते स्वरूप में दोनों ही स्वरूप हम कहेंगे कि क्योंकि वो काव्य का पहला प्रतिरूप था और उस समय समाज की जो अवस्था थी, जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, उसके अनुकूल उसे ढालने का प्रयास किया गया। जी, अब थोड़ा सा आग्रह है मेरा। जी, जो रचना आप ठीक समझे वो अपने श्रोताओं को, मैं चाहता हूँ कि वो रचनाएं श्रोता तक भी पहुंचे, तो रचना के माध्यम से भी आपका संवाद हो जाए और आप ठीक समझे तो अपनी दो तीन रचनाएं अगर आप साझा कर रहे हैं तो मुझे लगता है प्रोग्राम की सुंदरता हो जाएगी। जी, एक मैं अतीत की बात करती हूँ एक कविता में, और एक कविता में मैं वर्तमान की बात करती हूँ, अगर आप कहें तो। पहली कविता मैं अतीत की बात से जो है वर्तमान की ओर आती हूँ, जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, शायद आज से 30 साल पहले की जो बात है वो मैं करती हूँ, और फिर मैं वर्तमान में आती हूँ। और ये कविता मैंने उस समय लिखी जब एक स्त्री की उम्र, शादी की जो उम्र थी वो 21 वर्ष करने की बात की गई, तो उस समय मेरे जहन में एक प्रश्न उठा और वो समाचार मैं सुन रही थी और उसी समय मैंने ये कविता लिखी। कविता का शीर्षक है मुक्ति की खिड़कियां। अब नहीं ओढ़ूंगी मैं वो लवादा, जब मैं छोटी थी ब्याह दी गई थी 5.5 मीटर साड़ी के साथ। अब नहीं ओढ़ूंगी मैं वो लवादा, जब मैं छोटी थी ब्याह दी गई थी 5.5 मीटर साड़ी के साथ, भरी गर्मी में भी साल ओढ़ कर निकलना पड़ता था मुझे घर से। ये मैं भी हो सकती हूँ और बहुत सारी ऐसी स्त्रियां भी हो सकती हैं जो छोटी उम्र में ब्याह दी गई गाँव में। तोप कर रख दिया था मेरा अस्तित्व, तो मैं बोल भी नहीं सकती थी अपनी आवाज में जोर से। तोप कर रख दिया था मेरा अस्तित्व, तो मैं बोल भी नहीं सकती थी अपनी आवाज में जोर से। कहीं आंगन, आंगन में और बाहर अलाव पर आग सेकते मर्द सुन लाने मेरी आवाज। चोप कर रख दिया था मेरा अस्तित्व, मैं बोल भी नहीं सकती थी अपनी आवाज में जोर से। कहीं आंगन में और बाहर अलाव सेकते मर्द सुन ना ले मेरी आवाज। मैं वर्तमान पीढ़ी की पहली बहू जो थी, मैं वर्तमान पीढ़ी की पहली बहू जो थी, मेरे नक्शे कदम पर टिका था आने वाली अन्य बहुओं का भविष्य। मुंह खो गए थे मेरे शब्द, मैं जोर से हंस भी नहीं सकती थी। छत पर बैठी चिड़ियों से बतियाती मैं, कहीं कोई सुन न ले मेरा हंसना, जोर से हंसना गुनाह हो जाए। मुंह खो गए थे मेरे शब्द, मैं जोर से हंस भी नहीं सकती थी। छत पर बैठी चिड़ियों से बतियाती मैं, कहीं कोई सुन न ले मेरा हंसना, जोर से हंसना गुनाह हो जैसे। दुखी होने पर दहाड़े मारकर रोना एक एक अपराध था मेरे लिए, जिसके लिए मुकर्रर कर दी गई थी न जाने कितनी सजाएं। सुबकना ही अपनी अतिथि में, दुखी होने पर दहाड़े मारकर रोना एक अपराध था मेरे लिए, जिसके लिए मुकर्रर कर दी गई थी न जाने कितनी सजाएं। सुबकना ही अब नियत थी मेरी, मैं के मैं बता नहीं सकती थी अपने दुख दर्द। क्योंकि कहा जाता है, लड़कियों को सिखाया जाता है कि लड़की की डोली पिता के घर से उठती है, सिखाया जाता था और अर्थी पति के घर से। तो ये था कि मैं कि मैं नहीं बता सकती थी अपने दुख दर्द, क्योंकि अब ससुराल ही था घर मेरा। बचपन में बनाए गए गुड़ियों के घर की अब बदल दी गई थी परिभाषाएं, उनकी भाषा में गढ़ दी गई थी न जाने कितनी पावन की शब्दावली मेरे लिए।
पर अब नहीं ओढ़ूंगी मैं वो लबादा, पर अब नहीं ओढ़ूंगी मैं वो लबादा, ना ही ओढ़ने दूंगी किसी नन्ही सी जान को, अब नहीं लगानी पड़ेगी उनको गुहार अपनी अस्मिता की, मेरी प्रतिभा, मेरे वक्तव्य, मेरे राग विराग, मेरे शब्द शब्दावलियां, कथन कथाएं सुनेगा अब जग हमारे मुख से, अब हमारी हंसी पर नहीं लगेगी मोहर गुना गुनाह की, अब रोना कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि अब सदियों की चुप्पी मुखरता के काव चेतना बन खोल देगी मुक्ति की ना जाने की खिड़कियां, अब हमारी हंसी पर नहीं लगेगी मोहर गुनाह की, रोना कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि अब सदियों की चुप्पी मुखरता के काव चेतना बन खोल देगी मुक्ति की ना जाने की खिड़की। और अब मैं वर्तमान की बात करती हूँ, स्त्री सफलता का इतिहास कि मैंने कब चाहा ख्वाबगाह में पलते काल्पनिक सपनों को पूरा करना, मैंने कब चाहा ख्वाबगाह में पलते काल्पनिक सपनों को पूरा करना, सीधे यथार्थ से भिड़ना ही नियति रही मेरी, पर कैद कर दी गई मेरी जुझारू फितरतें रस्मों के इंद्रजाल में, मैंने कब चाहा ख्वाबगाह में पलते काल्पनिक सपनों को पूरा करना, सीधे यथार्थ से भिड़ना ही नियति रही मेरी, पर कैद कर दी गई मेरी जुझारू फितरतें रस्मों के इंद्रजाल में, मेरी उपलब्धियों को नकारता रहा समाज, मेरी उपलब्धियों को नकारता रहा समाज, में रीतती रही कतरा कतरा समाज के साथ खुद का सामंजस्य बिठाने, देह के दस्तरखान में खुश्क होती रही मेरी सांसें, जवान होते ही कतर दिए गए मेरे पंख, मेरे स्वप्न मेरी चाहते मेरे निर्णय की निर्धारित कर दी गई सीमाएं, अब एक तरफ मैं हूँ मेरा यकीन, अब एक तरफ मैं हूँ मेरा यकीन, लामबंद जंग की तैयारी है और दूसरी तरफ खुला आसमान है, मेरी हसरतों के बेचैन परिंदे हैं, मेरा इतिहास है सजा की तारीखें हैं, जानती हूँ स्त्री सफलता के इतिहास अब सरहद के पार इंकलाबी दावों से लिखा जाएगा, तभी रंगीन फाय से आसमानी हो मंजिल की पेशानी चूमेगी, जानती हूँ स्त्री सफलता का इतिहास अब सरहद के पार इंकलाबी दावों से लिखा जाएगा, तभी रंगीन फाय से आसमानी हो मंजिल की पेशानी चूमेगी। ये दो कविताएं हैं, एक अलग अलग मूड की और अलग अलग दिशा की है कि जीवन के मंत्र, प्रेम को कैसे रचती हो तुम अपने भीतर, प्रेम को कैसे रचती हो तुम अपने भीतर, जबकि तुम्हारे अंदर दहकते हैं ना जाने कितने पलाश के जंगल, प्रेम को कैसे रचती हो तुम अपने भीतर, जबकि तुम्हारे अंदर दहकते हैं ना जाने कितने पलाश के जंगल, फिर भी मौन कायनात का एक अंश जब पलता है तुम्हारे गर्भ में, तो गर्भस्थ शिशु की एक एक धड़कन में खिलाती हो तुम ना जाने प्रेम की कितनी कलियां, तब गर्भस्थ शिशु की एक एक धड़कन में खिलाती हो तुम प्रेम की ना जाने कितनी कलियां, अपने कपास से आंचल में समेट लेती हो फाहे से नवागत को, अपने कपास से आंचल में समेट लेती हो फाहे से नवागत को, फिर सुलाकर अपने पार्श्व में उसे संगीत की मधुर लोरियों में फूंकती हो उसके अंदर न जाने कितने जीवन के मंत्र, फूंकती हो न जाने कितने जीवन के मंत्र। सर ये मेरी तीसरी कविता है जी। माँ जी, जी हाँ, माँ पर बहुत लोगों ने लिखा है, मैंने भी लिखने का प्रयास किया है और देखें मैं कितना समेट पाई हूँ आप दर्शकों श्रोताओं की दृष्टि में। सर पेश है कविता कि यह जो उम्र की आंच में पक रही है निरंतर, यह जो उम्र की आंच में पक रही है निरंतर, यह वृद्धा मेरी माँ है जनाब, यह वृद्धा मेरी माँ है जनाब, इसके ललाट की लकीरों की तहों में छिपी है संघर्ष की एक लंबी कथा, इसके ललाट की लकीरों की तहों में छिपी है संघर्ष की एक लंबी कथा, हथेलियों पर जमी है गर्दिशों की धूप, इसकी अंतड़ियों ने झेली है भुखमरी की मार, गरीबी की लौह प्रहार भी, माँ माँ जिसकी गोद में लगाए थे हमने न जाने कितने सुखासन, आज कृशकाय हो गई, माँ जिसकी गोद में लगाए थे हमने न जाने कितने सुखासन, आज कृशकाय हो गई है, जब कभी काढ़ना चाहा उसने अपने एहसासों के कसीदे, उसके अरमान की सुइयां अटक गई हमारे ही स्नेह सूत्र,
जब भी काढ़ना चाहे उसने अपने एहसासों के कसीदे, उसके अरमानों की सुइयां अटक गई हमारे ही स्नेह सूत्र में, उसकी आंख में अभी तक ठहरे हैं वो दुखदाई पल जिसने पिघला दी थी उसकी रूह, उसके लहू में समाये हैं ना जाने कितने दुखों के पहाड़, उसके लहू में समाये हैं ना जाने कितने दुखों के पहाड़, आज भी उसकी घ्राण शक्ति सूंघ लेती है आपदाओं की गमक, आज भी उसकी घ्राण शक्ति सूंघ लेती है आपदाओं की गमक, कान चैतन्य रहते हैं विपत्तियों की आशंकाओं से। वो पन्ने आज भी खड़काते हैं दिमाग को उसके, जिसमें लिखी थी अग्नि परीक्षा पिता के विचोह से। वो पन्ने आज भी खड़काते हैं दिमाग को उसके, जिसमें लिखी थी अग्नि परीक्षा पिता से विचोह की, सारी कायनात को अपने गर्भ में धारण करने वाली माँ खोजती है पृथ्वी के गर्भ, पृथ्वी का गर्भ है अपने लिए, सारी कायनात को अपने गर्भ में धारण करने वाली माँ खोजती है पृथ्वी का गर्भ ग्रह अपने। ये कविता है माँ पर जो हमने पढ़ने की कोशिश। सुंदर सुंदर रचना है और इसमें विश्वास पक्का है मेरा भी कि श्रोताओं को बहुत पसंद आएंगी रचनाएं। उनका भी कारण है, ये रचनाएं सीधा सीधा संवाद कर रही हैं और जो रचना सीधा संवाद करने में समर्थ हो जाती है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, ऐसा मेरा विश्वास रचना को लेकर। तो आपका रचना कर्म तो है, आपने साहित्य साथ में एक मन में मेरे विचार आ रहा है कि आप जहां रहती हैं जी सर, दार्जिलिंग पहाड़ी इलाका है जी, और प्रकृति बहुत मेहरबान है, प्राकृतिक सौंदर्य वहां बिखरा हुआ है, हम राजस्थान में तो रेगिस्तान के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो ये प्रकृति का एक सामंजस्य और स्त्री का अपना होना, प्राकृतिक होना, क्या इन दोनों बातों के बीच, दोनों स्थितियों के बीच क्या कोई सामंजस्य देखती हैं आप? जी, वैसे भी तो कहते हैं ना कि स्त्री के लिए ही नहीं, हम समस्त मानव जाति के लिए प्रकृति जो एक पालना रही है, हम प्रकृति की गोद में पलते हैं, और वैसे भी अगर देखा जाए तो पृथ्वी है, अगर नदियां कहें तो समाहित कर लेती हैं बहुत सारी चीजें, पृथ्वी भी अपनी गोद में दुख दर्द कहें और जो भी है, तो इसी तरीके से स्त्रियों का हृदय भी होता है नदियों की तरह, वो सदा नीरा होती हैं और पृथ्वी की तरह वो सब चीजों को ग्रहण करती हैं और कहीं ना कहीं आधार देती हैं समाज को, लोगों को, तो एक आधार जैसे पृथ्वी, जैसे प्रकृति देती है हमें जीने का। वास्तव में अगर हम नेचर के बगैर हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते, उसी तरीके से हम स्त्री के बगैर समाज की कल्पना नहीं कर सकते, नहीं हो सकता जी। तो कहा जाए कि एक संवेदनशील होती है स्त्री, पुरुष भी होते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं वर्गों में विभक्त नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि समाज दोनों की से चलता है, आगे बढ़ता है, तो फिर भी अगर कहा जाए, देखा जाए तो स्त्री अधिक संवेदनशील होती है और वो अपने बच्चों की भी जो कमियां होती हैं और समाज में जो कमियां होती हैं उसको भुलाने की कोशिश करती है, वो झेलती है अपने प्रकृति जैसे विभिन्न तरह की मार को झेलती है, उसी तरीके से स्त्रियां भी झेलती हैं, अगर हम उसके उसको हम हथौड़े का प्रहार ना कहें लेकिन शब्दों से कहें और बदसलूकियां जो होती हैं उससे कहें, और जो उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते उसको कहें, तो वो सबको ग्रहण कर लेती है और कहीं भी वो जो है उग्र नहीं होती है, कोशिश करती है, प्रयास करती है। कि आपने दोपहर का भोजन पढ़ी होगी कहानी की, किस तरह से वो रोटियां, दो दो रोटियां परोसती है अपने बच्चों को और किस तरह से बच्चों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती है, उसको ये भी डर है कि कहीं उसका परिवार बिखर ना जाए, कहीं उसके बच्चे जो है
अभाव में पलने वाले बच्चे चूंकि बिगड़ जाते हैं, बड़े बेटे को रोजगार नहीं मिलता है, तो किस तरह से वो कहानी मुझे अभी भी प्रभावित करती है कि किस तरह से वो दो रोटियां सबको परसती है और सबको पूछती है कि और चाहिए क्या, लेकिन सब जानते हैं कि सबके हिस्से की दो दो रोटियां हैं, अगर एक भी ज्यादा ले ली गई तो शायद एक भूखा रह जाएगा। तो वो संतुलन देखे तो इस तरह से जो एक सामंजस्य बनाए रखती है, एक संतुलन बनाए रखती है, जैसे प्रकृति है वो फेंक देती है पीले पत्तों को और फिर उसके बाद पुनः हरे हो जाते हैं वृक्ष, और बारिश होती है फिर पुनः जो है जो ऊबड़ खाबड़ होता है सब धुल जाता है और फिर नए तरीके से नया दिन जो है आता है, या नई शाम या नए सवेरा दोपहर जो कहे वो आता है। उसी तरीके से स्त्री दोनों में बहुत गहरा सामंजस्य। एक समसामयिक प्रश्न है जी, जो कि आप काफी आपने सोचा और लिखा है, तो प्रश्न ये है थोड़ा सा समसामयिक क्योंकि आप विचारक हैं, इसलिए ये प्रश्न रख रहा हूं जी। स्त्री विमर्श को लेकर बहुत सारे झंडा बर्दारी हुई है देश में जी, बहुत सारे मंच बने हैं और बहुत सारी रचनाएं भी आई हैं, बहुत कुछ हुआ है, जैसे वृद्ध विमर्श को लेकर हुआ है ऐसे स्त्री विमर्श को लेकर। लेकिन एक सहज प्रश्न है, ये तो सत्य है कि स्त्री अपनी स्वतंत्रता से बहुत दूर महसूस करती है स्वयं, अभी उसका संघर्ष बाकी है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या स्त्री ने कहीं ये भी सोचा है कि उसकी स्वतंत्रता की कोई रेखा है आगे? वो किस किन मायनों में स्वतंत्र हो जाना चाहती? देखिए, आप अगर हम वैदिक युग वगैरह को छोड़ दें, और वैदिक युग में भी वो जो विदुषियां थी उनका ही सम्मान था, लेकिन जो आम स्त्री थी उसकी चर्चा नहीं हुई थी सर। तो जब स्त्री विमर्श आया उसके पहले, चाहे यहाँ हो चाहे विदेशों में हो, अगर देखा जाए तो स्त्री के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। वहां तक पाश्चात का एक उपन्यास पढ़ रहे थे, मैं एक किताब पढ़ रही थी, उसमें एक पादरी ने कहा था कि बिल्लियां स्वर्ग नहीं जाती हैं। और आपको बताएं हम कि मैंने पढ़ा था कि शेक्सपियर की बहन जो है उसी की तरह टैलेंटेड थी, लेकिन उसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। जब उसको उसका विवाह करने की बात सोची गई तो वो अपने लिए शादी के कपड़े सिल रही थी, लेकिन उसके मन में आया कि नहीं, वो दीवार फांद कर चली जाए। और दीवार फांद कर जब वो जाती है तो थिएटर के मैनेजर से कहती है कि मैं मतलब मंच पर अपना नाटक प्रदर्शन करना चाहती हूँ, तो बहुत उपहास उड़ाया जाता है, फिर कहीं ना कहीं उसे छला जाता है, वो कूद कर आत्महत्या कर लेती है और उसके नाम से सड़क बनी हुई है जो मैंने स्टडी की है। तो जब किसी भी समाज में कहते ना कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना छूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, तो जब बहुत ज्यादा अति हो गई तो क्रांति आती है। आपने देखा किसानों की मजदूरों की भी क्रांति आई प्रगतवादी युग में, शोषक और शोषण जो हुआ, मतलब उनका जो शोषक वर्ग के विरोध में आवाज उठाई गई। तो जब बहुत ज्यादा अति हो जाती है तो वहीं से शुरुआत होती है क्रांति की। तो हम ये कहेंगे कि स्त्रियों ने क्रांति तो नहीं की, अपने अधिकारों की मांग की, अपने स्वतंत्रता की बात की, और आज भी वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, गांव में आप जाके देख लीजिए, है ना। हाँ, इस स्वतंत्रता का फायदा उठाकर कुछ स्त्रियों ने, मैं कहूंगी कि भ्रम, पूरी तरीके से तो नहीं कहूंगी कि हाँ कहीं ना कहीं बदलाव आया है, लेकिन इस नारी विमर्श जो पाश्चात्य से प्रभावित नारी विमर्श है, वहां पर कहीं ना कहीं स्त्रियों ने जो है अपने खोल से निकलकर पुरुष की तरह सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सब शुरू कर दिया। ठीक है, वो उनकी अपनी आकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन जब तक हम समाज की ओर नहीं निहारेंगे, नहीं देखेंगे, देखिए कोई भी रचना हो, कोई भी विचार हो, ठीक है, तो अगर वो हम समाज से हटकर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो प्रभावी नहीं होता है। तो मेरी रचनाओं में आप देखेंगे कि उस तरह की बात नहीं आई है, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं,
अधिकारों के साथ साथ हम कर्तव्यों को भी देखते हैं। और सहनशाह आलम जी ने एक समीक्षा लिखी थी, जो फिर लौटेंगी स्त्रियां पर, कि आपकी जो रचनाएं हैं वो एक व्यक्ति को सुधार की ओर ले जाने वाली रचनाएं हैं। तो हम जब इन स्थितियों में हम सुधार सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग ले सकते हैं, और जहां पर स्थितियां गलत हैं वहां पर हम पुरजोर विरोध भी कर सकते हैं, तो हम जो हमारा स्वभाव है, हम स्त्रियों का स्वभाव है समाज को बनाना, गढ़ना, तराशना, ठीक है, हम टूट फूट पसंद नहीं करते हैं और हम चूंकि संवेदनशील हैं, तो मेरे ख्याल से बात होनी चाहिए स्वतंत्रता की, पूरी तरीके से होनी चाहिए, लेकिन हमें परिवार को, समाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको साथ में लेकर चलना चाहिए। प्रश्न यह है, ये तो सत्य आपने स्वीकार लिया जी, ये सब माइग्रेटेड फैशन है जी, जिसे स्त्री वर्ग बहुत कुछ अपनी स्वतंत्रता समझ रहा है, ये सब माइग्रेटेड। हिंदुस्तानी औरत जी, जैसा कि आपने कहा कि वो तो एक क्रिएटर की भूमिका में रहती है, सबको संवारना, सबको एक अच्छे स्थिति पे लाके खड़ा करना, उसकी भूमिका दूसरी है, और वो हिंदुस्तान में है तो वो तो रहेगी जो उसकी भूमिका है, लेकिन वो भूमिका से सम्मान होती है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्त्री पक्ष, क्योंकि तो उसे जैसे किसी श्रमिक को उसका श्रम का फल ना मिले और दुत्कार मिले, उत्पीड़न मिले, ऐसी कुछ स्थितियों से स्त्री गुजरी है। ग्रामीण सेक्शन में भी देखने को आता है और शहरी क्षेत्र में भी ऐसा दिख जाता है जी। तो मुझे तो लगता है कि जब हम उसकी स्वतंत्रता की बात करते हैं तो संघर्ष वहां चेतना का होना चाहिए कि हम माइग्रेटेड होके उधर ना जाकर अपने समाज में अपनी स्थिति को महसूस करते हुए समाज को ठीक करने की कोशिश नजर आनी चाहिए जी। सवाल तो बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे एक मेरी कविता भी है कि स्त्री फरेब की दुकान नहीं है, एक कविता है मेरी। तो देखिए, आज ये समाज ने स्वीकार किया, जब मतलब भ्रूण हत्याएं होने लगी और आज समाज में जो है लड़कियों की कमी हो गई, तो समाज धीरे धीरे इस जो अतिशयता हुई है, जो है जो लेडीज ने संघर्ष झेले हैं, उसका परिणाम समाज भोग रहा है निश्चित। तो यही सवाल बहुत सारी स्त्रियों के मन में उठते हैं कि अगर समता मूलक समाज की हम कल्पना करें तो सारा संघर्ष स्त्रियों के जुम्मे क्यों, मतलब एक पुरुष को भी उसके साथ आना चाहिए और उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। बात हम कहते हैं सजाने संवारने की, समाज को निखारने की, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पुरुष की संगत भी बहुत जरूरी है, तब हम एक समता मूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं। अदरवाइज उसकी कल्पना करना भी एक तरफ ये बहाव है और एक तरफ अहंकार है। तो अगर इस तरह से चलेगा तो देखिए, साउथ कोरिया में अभी लोग मैरिज नहीं करना चाह रहे हैं, एक अकेले भी रहना लोग पसंद कर रहे हैं, अगर हम स्त्रियों में कहें वो अकेले रह सकते हैं, अगर पुरुषों में कहें, इस तरह की चेतना जागृत हुई है। तो क्या कारण है कि जो विवाह जैसी संस्था है या जो हमारी मान्यताएं हैं, जो धारणा है, उस पर से जो है लोगों का विश्वास हट गया है। कई युवाओं से हमने बात की है, जो वो मैरिज करते हैं तो वो कहते हैं कि स्त्रियां बहुत तेज हो गई हैं, उनको डर लगता है कि कहीं तलाक ना हो जाए। तो ये स्थितियां असामंजस्य की जो स्थितियां बनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं सुधार के लिए हम एक कदम स्त्रियां बढ़ाएं तो पुरुषों को भी बढ़ाना चाहिए, ताकि हम एक सुंदर समाज की संरचना कर सके। और साहित्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि चूंकि साहित्य समाज का दर्पण भी होता है और साहित्य दिशा भी देता है, तो एक साहित्यकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है वो किस तरह की रचनाएं करे ताकि हमारे समाज में एक सुधार की स्थिति पैदा हो। फैसले अब हमारे हैं, कविता का शीर्षक है स्त्री अब फरेब की दुकान नहीं, 32 पेज सर। फैसले अब हमारे हैं स्त्री अब फरेब की दुकान नहीं, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का इतिहास और भूगोल बदलना चाहती है अब वह।
लिखना चाहती है नई तहरीरें अपनी तमाम व्यवस्थाओं की, बदल डालना चाहती है फरेब के उन पन्नों को जिन पर उनके अरमानों की तमाम लाशें दफन पड़ी हैं, बदल डालना चाहती है फरेब के उन पन्नों को जिन पर उनके अरमानों की तमाम लाशें दफन पड़ी हैं, उन शाही फरमानों के तमगे उखाड़ फेंकना चाहती हैं जिन पर उनके दीवारों में चिन्हवाने की दलीलें सुनाई गईं, जो अब भी चिन्हित हैं काले इतिहास के पन्नों पर। अदालतें फैसले अब हमारे हक में हो, ऐसे ही प्रयासों में निकल पड़ी हैं अब स्त्रियां अपनी खोह कैद से बाहर, अपने फरमान जारी करती हुई अपनी आजादी का पैगाम देकर। और इसी के साथ एक दूसरी कविता भी है जो मैंने कहा भ्रूण हत्या वाली बात मैंने कही, इतिहास भूगोल का हिसाब। अरे साहब स्त्री आप तुमसे अपने इतिहास का नहीं भूगोल का भी हिसाब मांगती। अरे साहब स्त्री आप तुमसे अपने इतिहास का नहीं भूगोल का भी हिसाब मांगती हैं, जिसकी सीमाओं का अतिक्रमण कर उसे बालात अधिकृत किया तुमने, बदल डाला उसके देह का मानचित्र। जिसकी सीमाओं का अतिक्रमण कर उसे बालात अधिकृत किया तुमने, बदल डाला उसके देह का मानचित्र। भ्रूण हत्याओं के अपने खुरापाती मंसूबों में कामयाब हो, समाज में नकार दी गई उनके अस्तित्व की छवियां, उड़ाया उनका माखौल भरे बाजार में। अब उसी बाजार में खड़ी वह हिसाब मांगती हैं तुमसे अधिग्रहण उर्वरता का हिसाब, और तुम सिर झुकाए स्वीकार कर रहे हो समाज में लैंगिक असमानता के खतरों को। व्यवस्था की कतार में खड़े अब तुमने तैयार कर लिए हैं नए किस्म के दलाल, बर के लिए वधू चाहिए के तैयार कर लिए हैं पंपलेट। अब तुम्हारी संकीर्णताएं जाति व्यवस्था से परे पाट रही हैं असंतुलन की खाइयां। और स्त्री अब भी तुम्हारे साथ खड़ी, सुन रही है तुम्हारी दकियानूसी दलीलें और पाट रही है तुम्हारी संकीर्णताओं की तमाम खाइयों को। हमने सुना था सर कि केरल से लड़कियां शादी करती हैं यहाँ पर हरियाणा में, चूंकि हरियाणा की में लड़कियों की कमी हो गई है, और इस तरह के दलाल हैं जो शादी करवाते हैं। तो ये एक समाज का सत्य है जो मैंने लिखने की कोशिश की है कि आज जब लड़कियों की कमी हो गई है तो अब कोई जातिवादिता नहीं रही, केरल से हरियाणा में इस तरह के जो है मैरिज हो रही, और इसमें स्त्री भूमिका निभा रही है उस तरह की। एक छोटी सी गुजारिश है जी सर, एक छोटी सी रचना है आपकी रुदालियां जी, और रुदाली के बाद मैं चाहूंगा कि जिस कविता के नाम से ये संकलन है छलांग मारती स्त्रियां, ये रचना भी आप अगर दर्शकों तक साझा कर लें तो बहुत अच्छा हो। इस कविता को दिल्ली में भी बहुत पसंद किया गया था, और एक जो पिक्चर उन्होंने देखी थी उसका संदर्भ उनको याद आया था जी। तो शीर्षक है रुदालिया, व्यवस्थाओं ने नियुक्त किया जिन्हें रोने को, व्यवस्थाओं ने नियुक्त किया जिन्हें रोने को, वे रुदालियां अपने सुख में भी अक्सर बेचती रही दहाड़े अपनी, वे रुदालियां अपने सुख में भी अक्सर बेचती रही दहाड़े अपनी, अपनी पीड़ा को अंतर्जनित हिस्सों में रख रोती रही वे उनके पहाड़ से दुखों को, जो शरीक नहीं हुए कभी उनके एकांश दुख में भी, पर कहलाए मसीहा उनके, पर कहलाए मसीहा उनके। व्यवस्थाओं ने नियुक्त किया जिन्हें रोने को, भी रुदालियां अपने सुख में भी अक्सर बेचती रही दहाड़े अपनी, अपनी पीड़ा को अंतर्जनित हिस्सों में रख रोती रही वे उनके पहाड़ से दुखों को, जो शरीक नहीं हुए कभी उनके एकांश में भी, पर कहलाए मसीहा। बहुत सुंदर रचना है ये, मेरी व्यक्तिगत रूप से आपको बधाई है, जिस कविता के नाम से ये संकलन है छलांग मारती स्त्रियां, अगर आप ठीक समझे जी तो भी साझा करते हैं, अच्छा लगेगा। जैसे लोग भूमिका लिखते हैं, मैंने भूमिका नहीं लिखी थी और मैंने एक छोटा सा आमुख लिखा था, उसको मैं आपको
पढ़ के सुनाना चाहूंगी, उसके बाद मैं छलांग मारती स्त्रिया कविता पढ़ के आपको सुनाऊंगी। आमुक में लिखा था मैंने कि यह कोई किताब नहीं, यह कोई किताब नहीं, स्त्री पीड़ा का इतिहास है जनाब, जिसे झेला है स्त्रियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पीठ पर। खोलिए इसे, खोलिए इसे, इसके हर पृष्ठ के पोर पोर से जख्मों का टपकता टटका लहू मिलेगा तुम्हें, और संघर्षपूर्ण जीवन की चुनौतियों में निखरने की वजह। किताब की टिप्पणी पर, आप कहें कि भूमिका पर मैंने ये लिखा था, आमुख जो लिखा मुझे जाता तो ये लग रहा है जी। मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि अपने आप में अच्छी रचना है जी सर। शायद आपने उसको उस नजर से पढ़ा नहीं, अगर आप इतने ही पैरा को वापस पढ़ेंगे तो अपने आप में मुकम्मल भरपूर रचना है ये, जो पूरी तरह अपनी बात कहती है। वो पूरा अपने जी अपने उसमें समाहित किए हैं सर। तो ये जो लाइनें आपने पढ़ी हैं, ये पूरी एक तरह से मुकम्मल कविता है, जिसे हर लिहाज से कविता कहना ही पड़ेगा। इतनी सुंदर बात है, तो ये कविता है। छलांग मारती स्त्रिया, मैंने आपसे कहा था कि मैंने जो पढ़ा था शेक्सपियर की बहन के बारे में, उस समय ही ये कविता मेरे मन में उपजी थी कि बंदूक के नाल के सामने खड़ी युवती की अंतिम इच्छा क्या हो सकती है। प्रश्नवाचक उसमें है ये कविता कि बंदूक के नाल के सामने खड़ी युवती की अंतिम इच्छा क्या हो सकती है, जबकि लड़ने होते हैं उसे कई द्वंद्व युद्ध, स्मृतियों से अपने न जाने किस सुख के संधान में चल रही है वह तमाम उम्र रिश्तों की धुरी पर। पर वक्त का पहिया बदल रहा है धीरे धीरे, युगों के बाद चहार दीवारी से छलांग मारती स्त्रियां अब नहीं होती हैं मानसिक यातना का शिकार। वक्त का पहिया बदल रहा है धीरे धीरे, युगों के बाद चहार दीवारी से छलांग मारती स्त्रियां अब नहीं होती हैं मानसिक यातना का शिकार, ना ही करती हैं आत्महत्या किसी नदी में कूद कर, ना ही करती हैं आत्महत्या किसी नदी में कूद कर, वरन अपने शब्दों के स्पार से तोड़ देती हैं जंग लगे सामाजिकता के प्रतिमानों को, घिसी मान्यताओं के फफूंद लगे फफूंद को साफ कर तरासे हुए शब्दों की आग में लिखती हैं अब स्त्रियां नए पृष्ठ सामाजिक आर्थिक बराबरी के। घिसी मान्यताओं के फफूंद को साफ कर तरासे हुए शब्दों की आग में लिखती हैं स्त्रियां अब नए पृष्ठ सामाजिक आर्थिक बराबर। किताब के फ्लैप पर पूनम सिंह जी हैं जी, और इनकी अंतिम पंक्ति है, इन कविताओं में मुक्ति का संविधान जी, लिखती स्त्री को देखना सुखद है। आपको क्या लगता है ऐसा? उन्होंने तो अपनी बात कही और मैं सहमत हूं जी। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी बहुत सारी कविताओं में ये बात आई है कि हम अपनी तहरीरें अपने आप लिखे, अपने संविधान अपने आप लिखे। तो आज के परिवेश में, अगर परिप्रेक्ष्य में इस चीज का आकलन करें, तो जो 33% की बात हो रही है और राजनीति में, तो वो शायद यहाँ पर लागू हो सकती है अगर हम उस दृष्टि से देखें। बहुत सारी रचनाएं सर, वैसे 33 की बात पहले से ही चल रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, पता नहीं पूर्वाभास कहेंगे या जो भी कहेंगे, बहुत कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो मैंने बहुत पहले लिख दी और उसका जो परिणाम है वो बाद में आया। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, चूंकि ये बात तो बहुत पहले से चल रही है 33 की बात, लेकिन नए संविधान को गढ़ते हुए देखना एक स्त्री को, यानी वो बराबरी के दर्जे की मांग ही हम कहेंगे कि जो मिलना चाहिए, जो अधिकार अगर हम शैक्षणिक रूप में देखें, मानसिक रूप में देखें, अब अगर हम शारीरिक रूप में भी देखें, तो लड़कियां किसी भी रूप से कम नहीं है समाज में, जो वो उतर रही है, वो प्लेन भी चला रही है और
बहुत सारे उदाहरण आपके सामने पेश है, अब तो उदाहरण देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हर क्षेत्र में स्त्रियां पहुंच गई हैं, तो हम इक्का दुक्का उदाहरण नहीं दे सकते हैं। तो उनकी जो क्षमताओं को कमतर आंका गया वो मैं चाहती हूँ कि कमतर ना आंका जाए, कहीं ना कहीं जो है दिया जाए। 33 मतलब एक तिहाई, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। 33 एक तिहाई का मतलब नहीं चाहती हूँ, मैं बराबरी की बात करती हूँ, समतामूलक समाज की बात करती हूँ। और शायद आने वाले 50 साल के बाद इस तरह की स्थितियां, 50 साल 25 साल के बाद इस तरह की स्थिति बनी और शायद एक सुंदर समाज की कल्पना हो सके। इन्हीं सुंदर सोच और विचारों के साथ, इस आशाओं के साथ वार्ता को यहीं विराम देते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, इसी आशा के साथ। जी, मैं भी दो शब्द कहना चाहूंगी अपने दर्शकों को, श्रोताओं को। सर, आपने जो एक सांचे में ढाला है मेरी कविताओं को, स्त्रीवादी कविताओं को, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा 5वां काव्य संग्रह है, इसी भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने उस संग्रह की रचना की। तो मैं चाहती हूँ कि वो संग्रह आप तक पहुंच जाएगा और उस पर भी बात हो, ताकि लोग पहचान सकें कि स्त्रियां सिर्फ प्रेम और स्त्रीवादी कविताएं नहीं लिखती हैं, वो एक बहुत ठोस तर्क के आधार पर अपनी बात भी रख सकती हैं। तो मेरी इच्छा है कि आप लोग इस मंच पर दोबारा रूबरू हों और उस तरह उस संग्रह पर आप बात करने के लिए। बिल्कुल, अपन आशान्वित हैं और जरूर करेंगे जी, और जल्दी ही करेंगे। ठीक है, आज के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, दर्शकों और सर आपको भी नमस्कार, धन्यवाद।